नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब पवन खेड़ा पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ और वाराणसी में FIR दर्ज हो गई है। दरअसल पवन खेड़ा ने जिस तरीके से अडानी के मुद्दे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, बल्कि उनके पिता का जिस तरह से अपमान किया है, उसको लेकर अब बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी और साथ ही कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उन पर हमलावर नजर आ रही है। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। जिस प्रधानमंत्री के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। आज ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने मोदी जी के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, मैं तो समझ रहा हूं ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता की नहीं है, ये बात कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के स्वभाव के अनुकूल है और उनके द्वारा ये बात देश की जनता के सामने की जा रही है। मगर मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, 2019 में भी आपने मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, नतीजा आपने देखा है, कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का स्टेटस भी जाता रहा और जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है और देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखेगा राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देश की जनता इसका हिसाब बैलेट। तो वहीं अब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने भी कांग्रेस नेता को करारा जवाब दिया है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने दरअसल पवन खेड़ा ने जो बयान दिया है वो उस पर भड़के और एक टीवी डिबेट में उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये 500 करोड़ के भ्रष्टाचारी शीला दीक्षित, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, उनके चप्पल उठाने वालों को चुप कराइए। इस तरीके से उनका ये बयान, जिसको लेकर काफी जो उनका वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यानी कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता का अपमान बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से वार पलटवार का दौर जारी है, एक तरफ अपने आप को घिरता देख पवन खेड़ा ने ये कहा है कि दरअसल उनका इंटेंशन ये नहीं था कि वो इस तरीके से प्रधानमंत्री के पिता का गलत नाम ले, वो दरअसल सचमुच उनसे ये दरअसल वो भूल गए थे कि उनके पिता का क्या नाम है। हालांकि उन्होंने अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगी और यही वजह है कि इस तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर हंगामा बरपा रही है। अब पवन खेड़ा के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेताओं ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में और वाराणसी में ये FIR पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज कराई है। पवन खेड़ा ने विवादित बयान उस वक्त दिया जब अडानी के मामले पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जाहिर तौर पर उनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ। लेकिन वहीं अब वो बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ चुके हैं। एक तरफ तमाम टीवी डिबेट में ये देखने को मिल रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार का दौर जारी है, तो वहीं बीजेपी अब प्रोटेस्ट भी कर रही है राजधानी दिल्ली में, जहां सोनिया गांधी के आवास के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर अब हंगामा बरपा हुआ है। जाहिर तौर पर अब लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, उनका ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पवन खेड़ा
ने ये पूरा बयान दिया है, जिस तरीके से उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर ये कमेंट किया है, जाहिर तौर पर ये अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल वानखेड़े ने किया है, ये बीजेपी का आरोप है। साथ ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं, वो लगातार अब वानखेड़े और कांग्रेस पार्टी पर काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रहे हैं। आपको ये बताते हैं कि पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा था। दरअसल उन्होंने हाल ही में मुंबई में अडानी मुद्दे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने जेपीसी की जांच की मांग अडानी मुद्दे पर करते हुए दरअसल ये कहा था कि जब नरसिम्हा राव जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र गौतम दास फिर वो कुछ वक्त के लिए रुके और उसके बाद कहा कि दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है। फिर वो पूछते हैं कि गौतम दास हैं या दामोदर दास हैं। साथ में बैठे शख्स ने कहा कि दामोदर दास, तो उन्होंने भी दामोदर दास कहा। इसके बाद कुछ देर वो रुके और खेड़ा ने कहा कि नाम दामोदर दास है, काम गौतम दास है। इसके बाद पवन खेड़ा हंसने लगे, यानी साफ तौर पर उनका जो बयान है, उनकी जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस तरीके से उन्होंने दामोदर दास को गौतम दास कहा, वो साफ तौर पर पता चल रहा था कि किस तरीके से एक सुनियोजित तरीके से ये तमाम बातें उनके जरिए कही गई। लेकिन जिस तरीके का झूठ वो बोल रहे हैं कि दरअसल वो सच में भूल गए थे कि प्रधानमंत्री के पिता का क्या नाम है। अगर पवन खेड़ा ये भूल गए थे कि प्रधानमंत्री के पिता का क्या नाम है, अगर उनसे गलती हुई है तो वो अपनी गलती के लिए माफी मांग सकते हैं, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने पवन खेड़ा के इस पूरे कॉन्फ्रेंस को लेकर ट्वीट किया, जहां उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज का मजाक उड़ाया है, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर पवन खेड़ा की जो कमेंट है, पवन खेड़ा की जो टिप्पणी है, उसको कहीं ना कहीं एक प्रचार के तौर पर इस्तेमाल किया है। तो ये सब कुछ किस तरीके से जानबूझकर किया गया है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस पार्टी या पवन खेड़ा माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता लगातार पवन खेड़ा पर हमलावर हैं और लगातार उनके बयान सामने आ रहे हैं। और इन सब के बीच अब जो कांग्रेस पार्टी के ये प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, इनकी तुलना अब मणिशंकर अय्यर से हो रही है। जी हाँ, वही मणिशंकर अय्यर जिन्होंने 2014 में चुनावों से पहले एक ऐसा बयान दिया था जिसका नतीजा आज तक कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावों के वक्त 2014 में नीच कहा था, और इसी चुनाव के दौरान अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाय वाला भी बोल दिया था। अय्यर ने कहा था कि मोदी कभी पीएम नहीं बन सकते हैं, और वो उस समय चल रहे कांग्रेस सम्मेलन में चाय ही बेच सकते हैं। ये मणिशंकर अय्यर का बयान था, जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को कितना ज्यादा भुगतना पड़ा है, ये आज तक दरअसल तमाम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से इसके बाद 2014, उसके बाद 2019 में लगातार बीजेपी जो है वो केंद्र की सत्ता में आई है, क्योंकि बीजेपी ये बखूबी तरीके से जानती है कि आखिर किस तरीके से किस मुद्दे को भुनाना है। और कहीं ना कहीं जो पवन खेड़ा का ये बयान है, ये भी कांग्रेस पार्टी के लिए अब आने वाले वक्त में काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकता है, या कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर राहुल गांधी का कश्मीर दौरा, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा अगर पवन खेड़ा ने इस तरीके का बयान दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर ये कमेंट किया गया है, जानबूझकर उन्हें किस तरीके से अडानी मुद्दे से जोड़ने की कोशिश की गई है। तो जाहिर तौर पर पवन खेड़ा के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को इसका बड़ा खामियाजा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल शिकंजा पवन खेड़ा पर कसता जा रहा है, जिस तरीके से उनके खिलाफ ये FIR लखनऊ और वाराणसी में दर्ज की गई है, उसके बाद
अब वानखेड़ा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये मांग लगातार लोगों की तरफ से की जा रही है। आपको ये बता दें कि लखनऊ में बीजेपी के महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा की तहरीर पर ये केस दर्ज किया गया है वानखेड़ा के खिलाफ, और वहीं वाराणसी में भी जो FIR है वो उनके खिलाफ दर्ज की गई है। वानखेड़ा पर जो केस दर्ज हुआ है उसमें आपको ये बता दें कि वानखेड़ा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के नाम को लेकर जो टिप्पणी की गई है उसमें धारा 153A, 295A और 505 के तहत ये मुकदमा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वानखेड़ा पर दर्ज किया गया है। और इस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब राजनीतिक हंगामा बरपा हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।